तो भाइयों सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई का चैनल और दबाओ इस बेल आइकन को ताकि इन फ्यूचर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें और ये बिल्कुल फ्री है। हे व्हाट्सअप गाइस, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube वीडियोस में जो कि एंड स्क्रीन कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो एंड स्क्रीन वो होती है जैसे कि हम वीडियोस देखते हैं और सबसे लास्ट में आपको दो वीडियोस ऐसी दिखती होंगी जिस पर आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो पे पहुंच जाते हैं, या फिर आपको एक सब्सक्राइब गोल बटन दिखता है, गोल मतलब जो चैनल का लोगो होता है वो दिखता है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाता है। तो यही आप ऑप्शन कैसे अपनी वीडियोस में ला सकते हैं एंड में, यही आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज गाइज आप वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सो या गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी YouTube वीडियोस में एंड स्क्रीन कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो सिंपली मेथड्स बताऊंगा कि आप इजिली ऐड कर सकें। तो सिंपली आपको क्या करना है कि YouTube में चलना है और मैं फटाफट यहाँ पर कर रहा हूँ। वैसे आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो मैं उसमें बताता हूँ कि आपको चैनल में लॉगिन कैसे करना है, तो मैं फटाफट कर रहा हूँ। सिंपली आपको डेस्कटॉप मोड में जाके क्लिक कर देना है, तो आपका मतलब मोबाइल डेस्कटॉप टाइप वर्क करेगा, मतलब कि जो डेस्कटॉप में काम होते हैं वो आपके मोबाइल में हो जाएंगे अगर आप रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट कर लेते अपने क्रोम में। तो सिंपली हमें चलना है आप क्रिएटर स्टूडियो में, यहाँ से हम क्रिएटर स्टूडियो में क्लिक करेंगे। तो सिंपली अब जिस भी वीडियो को हमने अपलोड करा है तो उसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली कभी भी स्क्रीन जैसे आप अपलोड करते हैं तब एंड स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आता है, तो आपको सिंपली क्या करना है एंड स्क्रीन ऐड करने के लिए सबसे पहले अपलोड करना है बट प्राइवेट में करना है, उसके बाद अगेन आना है क्रिएटर स्टूडियो में और आके एडिट पे क्लिक करना है। अब एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये एंड स्क्रीन वाला, इस पर क्लिक करना है ना। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा बताएगा, तो इस पर गॉट इट पे क्लिक कर देना। गॉट इट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर एंड स्क्रीन कहाँ से कहाँ तक ऐड करना चाहते हैं, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आगे ऐड करना चाहते हैं, पीछे ऐड करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए ये स्टार्टिंग से ऐड है शायद, तो हम इसे इधर से ऐड कर लेते हैं, तो ये यहाँ से आप जहाँ चाहें इसे कर सकते हैं। देखिए ये आप यहाँ तक रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं इतना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम जितना भी यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि ऐड एलिमेंट पे क्लिक नहीं करना है, जैसे बहुत से लोग गलती करते हैं, उन्हें फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं एंड स्क्रीन ऐड करने का, ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं एंड स्क्रीन नहीं हो पाती। आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल से अगर जब आप कर रहे हैं तो आपको यूज टेम्पलेट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, यूज टेम्पलेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको देखिए जैसा कि आप अदर वीडियोज में देखते हैं एक यहाँ पर आइकॉन दिखता है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है एक वीडियोस का, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएगी, एक आइकॉन एक टेम्पलेट जो भी आप रखना चाहते हैं, या फिर दो वीडियोस रखना चाहते हैं आइकॉन नहीं रखना चाहते सब्सक्राइब का, तो हम ये वाला रख लेते हैं दो वीडियोस और वो है ना सब्सक्राइब का ऑप्शन। तो सिंपल इतना करने का सिलेक्ट पे क्लिक कर लेना है ना। अब सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे कि ये वाला ऑप्शन तो आ गया सब्सक्राइब वाला, अब यहाँ पर आपको ये वीडियो के ये साइड में क्लिक करना है और कोई भी वीडियो चूज कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने दो वीडियो अपलोड करी है तो दोनों चूज कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी कर लेते हैं चूज, सॉरी यहाँ से होएगा चूज, तो ये यहाँ पर पेंसिल पे अगेन क्लिक करिए, फिर इस वाली को चूज कर लीजिए और इसे सेव कर दीजिए है ना। तो सिंपली आपको इतना करना है, तो इतना करेंगे तो देखिए अब इसको आप यहाँ से जहाँ चाहे वहाँ सेटअप कर सकते हैं है ना। तो ये देखिए इतना जितना चाहे आप कर सकते हैं और क्या, तो और ये यहाँ से आप लोगो वगैरह का भी कर सकते हैं, ये रहा ये आपका लोगो है चैनल का, ये रहा जिस पे इस पर कोई क्लिक करेगा तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा है ना। तो ये आप यहाँ पर सेटअप कर लीजिए जैसा भी आपको करना है, उसके बाद सिंपली आपको जाके सेव पे क्लिक कर देना। अब ये सेव पे क्लिक करने के बाद आपको सीधे जाना है और वीडियो पब्लिश कर देनी है अगेन, अगर मतलब कि सेव चेंज क्लिक कर देना, अगर आपने प्राइवेट करी है तो पब्लिक यहाँ से क्लिक करके और सेव चेंज पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर अब आपकी जो मतलब एंड स्क्रीन होती है वो ऐड हो चुकी है। तो सिंपली गाइज आप इस ट्रिक को यूज़ करके अपनी वीडियोस में एंड स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और गाइज प्लीज़ आपकी वीडियोस पर लाइक नहीं आती है तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।